हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम शेयर करने जा रही हूँ जो कि आज के टाइम में हम सभी को है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालों का टूटना आजकल के टाइम में एक आम बात हो चुकी है, ये एक आम समस्या है। हम सभी को बालों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। मुझे भी एक टाइम में ऐसी प्रॉब्लम थी, बट अब मैंने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया है और मैंने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है आज मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी कोई चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, पहले मैं उसे खुद पर ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, उसका इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों से उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो बालों से रिलेटेड जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि हमें बालों का असमय सफ़ेद होना, बालों का टूटना, बालों में डैंड्रफ, रूसी वगैरह होना ये एक आम बात हो चुकी है। और एक टाइम था जब मेरे बाल भी काफ़ी टूटते थे और बालों के टूटने से बचने के लिए मैं तरह तरह के DIYs ट्राई करती रहती थी। और सबसे पहला जो मैं ट्राई करती थी, मैं आपको बता दूं मैं क्या ट्राई करती थी, प्याज। जी हाँ, प्याज का रस। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्याज से रिलेटेड कितने सारे DIYs आजकल आप देखते ही होंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्याज को छीनना, उसके बाद उसे कद्दूकस करना, उसके बाद उसका जूस निकालना, काफ़ी झंझट भरा भी लगता है। और आजकल के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सब चीज़ें DIYs ट्राई करें। आप जानते हैं DIYs इफेक्टिव होते हैं गाइस, जरूर ट्राई कीजिए, DIYs बहुत बेस्ट होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस की बात अगर की जाए तो अगर आप DIYs लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं, कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये तो थी बात कि DIYs की और मेरे बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने पर मैंने क्या कुछ ट्राई किया है। तो चलिए अब मैं आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसे कौन से तेल को ढूंढ निकाला है, खोज निकाला है, जो मैं आज आपसे इसका रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। मे भी आपने हो सकता है इस तेल के बारे में पहले भी सुना हो। और तो चलिए देखते हैं, वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन भी मिलती है, ढेर सारे लाइक्स और ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ऑन एंड ऑन हेयर ऑयल की। मुझे ये तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। क्यों लगा है ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में भी बताने वाली हूँ, और आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है, ये देखिए। अभी मैंने ये बॉटल यूज़ नहीं की है, ये मैंने दूसरी बॉटल मंगाई है। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉटल इस्तेमाल कर ली है, ये देखिए। बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो ये आती है प्लास्टिक बोतल में, आप देख सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ये क्या है। ये इसके अंदर है जड़ी बूटी, और ये जड़ी बूटी किस चीज़ की है ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये है महाभृंगराज की जड़ी बूटी। महाभृंगराज हर्बल हेयर ऑयल फॉर ऑल हेयर टाइप विद भृंगराज एंड आमंड एक्सट्रैक्ट्स प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ हेयर, डैंड्रफ कंट्रोल एंड प्री मेच्योर ग्रेइंग। यानी कि बालों का असमय सफ़ेद होना, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये खत्म कर देगा। जी हाँ, आपके बालों का टूटना बंद कर देगा, आपके बालों में जो असमय सफ़ेदी आ गई है, ग्रेइश हो जाते हैं बाल समय से पहले, तो उसे भी ये बंद करेगा। जी हाँ, मेरे हस्बैंड के बालों में भी ये प्रॉब्लम थी सेम, उन्हें डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा था और उनका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जब से उन्होंने ये तेल इस्तेमाल करना शुरू किया है ना गाइस, सीरियसली मैं आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ 4 दिन में उनके बालों का टूटना बंद हो गया था और बाल धीरे धीरे अब उनके ब्लैक हो रहे हैं। नेचुरल तरीके से ये ब्लैक करता है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हर्बल हेयर ऑयल है तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है और ये किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देता है आपके बालों में। और जो भी जड़ी बूटी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये पीछे इसके आप देख सकते हैं बॉटल के मेंशन किया हुआ है कैसे आपने इसे इस्तेमाल करना है, कैसे डायरेक्शन ऑफ यूज़ है इसकी, ये सब चीज़ें इस पर पीछे मेंशन की गई हैं। टोटल आपको ये 200 ml का प्रोडक्ट मिलता है और इसका प्राइस जो है 380 rupees है। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट वेट है, कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। और आप जब भी बालों को वॉश करें तब आप इसे अप्लाई कर लीजिए 1 या 2 घंटे पहले, और उसके बाद अपने बालों में अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसे, अगर आपने लगा लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू करने की ज़रूरत होगी, 2-3 बार शैम्पू करने की ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है। बहुत ही लाइट वेट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और नॉन स्टिकी है, और ये बहुत ईजिली निकल जाता है। 1 वॉश में ही आपका हेयर ऑयल जो है ये बालों से अच्छे तरीके से निकल जाएगा, चिपचिपे नहीं लगेंगे आपके बाल। इस तेल को आपने बस ये देखिए, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब आपके बालों में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, ये देखिए। और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए।
और सबसे मैं देखी इसकी लिड ओपन कर ली है और ये कुछ इस तरह से है। इसके ऊपर एक और लिड लगी हुई है और इसके अंदर होल करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप कॉटन बॉल की हेल्प से भी इसे अपने बालों में अच्छे से रूट्स में लगा लीजिए, स्कैल्प में लगा लीजिए और अपने बालों के एजेस पे भी ज़रूर लगाइए गाइस, क्योंकि बालों के जो एंड्स होते हैं वहाँ पर हमें दो मुँहे बालों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये दो मुँहे बालों की समस्या को भी ख़त्म करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये एक तेल में। प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तेल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मेरे हस्बैंड भी अब से कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड तेल लगाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे ही वो हेयर ऑयल लगाते थे ना तभी उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। और जब से मैंने इस तेल को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया ना गाइस, तब से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब आप ये कह सकते हैं कि ना बराबर है, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो चुका है, बालों में सफ़ेदी भी नहीं है और बालों में डैंड्रफ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली गाइस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस तेल का इस्तेमाल एक बार ज़रूर कीजिए, बहुत बेस्ट तेल है, अब तक का सबसे बेस्ट तेल मुझे यही लगा है। और अब इसके बाद मुझे नहीं लगता मैं किसी और तेल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सारी जितनी मेरी प्रॉब्लम थी उनका एक सोल्यूशन मुझे यही वाला हेयर ऑयल लगा है और मुझे ये हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा है। तो प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट हेयर ऑयल है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी गाइस कि आपने इस तेल को जब इस्तेमाल करना है तो आप इसे कलर अगर आपने बालों में किया है तो इस तेल का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने मेहंदी लगाई है या कोई भी कंडीशनर लगाया है तब आप इसमें इस तेल का इस्तेमाल ना करें, ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और आपने जब भी इसे इस्तेमाल करना है तब आप इसके साथ कोई और ऑयल को ऐड ना करें, यानी कि हमें जब इस तेल को इस्तेमाल करना है तो किसी और तेल को इसमें हमें ऐड करके नहीं लगाना है, क्योंकि ये हेयर ऑयल अपने आप में ही एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसमें आपको कोई भी एसेंशियल ऑयल या कोई और तरह का तेल इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही लाइट वेट है ये तेल, ये तेल मुझे बिल्कुल एक सीरम की तरह लगा है, जैसे कि आप और हेयर सीरम यूज़ करते होंगे ना, तो ये तेल भी मस्त मुझे वैसा ही लगा है जैसे कि आपने बालों में सीरम लगाया हो। और बहुत ही ज़्यादा शाइनी लगते हैं बाल, बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। और इस हेयर ऑयल से आपके बालों की ग्रोथ भी होती है, जी हाँ, ये आपके बालों को रीग्रोथ भी करता है। जब भी आप ये ऑयल लगाएं तो अपने बालों में अच्छे से कॉम कर लीजिए, जैसे कि मैंने अभी कॉम कर ली है, और अपने बालों में हाफ पार्टीशन करके इसे अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए, अपने स्कैल्प में, अपने रूट्स में। और इसकी जो आप पैकिंग देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से है, जिससे इसे लगाने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, काफ़ी इजीली आप इसे अपने बालों में इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ। उसके बाद आप अपने बालों के एजेस पर यानी कि एंड्स पर ज़रूर लगाएं, ये देखिए। इस ऑयल को आप बालों में अच्छे से लगा लीजिए, उसके बाद इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं लगाकर अपने बालों में, ताकि अच्छे से आपके बालों में समा जाए। अदरवाइज़ आप अपने बालों को वॉश करने से पहले भी इसे लगा सकते हैं, यानी कि एक या दो घंटे पहले आप इसे लगा लीजिए और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। और बाल धोने के बाद मैं आपको रिजल्ट्स, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं। ये देखिए कोई भी किसी भी तरह का हेयर फॉल नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। ये देखिए कंघी, एक भी बाल आपको कंघी में नज़र नहीं आएगा, ये देखिए। तो ये था मेरा आज का ओन एंड ओन हेयर ऑयल का रिव्यू, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से गाइज हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।